ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुंदरनगर उपमंडल के महादेव गांव निवासी सामाजिक कार्यकर्ता रूपेश शर्मा पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। डीएसपी सुंदरनगर ने जांच के दौरान पुलिस को दिए बयान में कहा कि रूपेश शर्मा सरकार के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां कर रहे हैं। रूपेश शर्मा का कहना है कि अगर वे ऐसी गतिविधियों में शामिल है तो फिर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। सुंदरनगर उपमंडल के महादेव गांव निवासी सामाजिक कार्यकर्ता रूपेश शर्मा पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। डीएसपी सुंदरनगर ने जांच के दौरान पुलिस को दिए बयान में कहा कि रूपेश शर्मा सरकार के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां कर रहे हैं। रूपेश शर्मा का कहना है कि अगर वे ऐसी गतिविधियों में शामिल है तो फिर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। रूपेश शर्मा ने मंडी में पत्रकार वार्ता करके अपनी ये बात रखी और पुलिस की तरफ से आए जवाबी पत्र को मीडिया कर्मियों के साथ साझा किया। आपको बता दें कि माननीयों के यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी के बाद रूपेश शर्मा ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ सुंदरनगर में चंदा इकट्ठा करके इस फैसले का विरोध किया था। रूपेश की पत्नी पुलिस विभाग में ही कार्यरत है। रूपेश का इस हरकत के बाद उसकी पत्नी का सुंदरनगर पुलिस थाना से धर्मपुर के लिए तबादला कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने इस तबादला आदेश को निरस्त कर दिया था। इसके बाद रूपेश ने डीएसपी सुंदरनगर और स्थानीय एमएलए के खिलाफ डीजीपी को एक शिकायत भेजी थी। तबादले को राजनीतिक भावना से किया गया तबादला बताया था। रूपेश की इस शिकायत की एएसपी मंडी पुनीत रघु ने जांच की और बयान दर्ज की। अब जांच के बाद रूपेश को जिला पुलिस अधीक्षक की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें डीएसपी सुंदरनगर का बयान भी दर्ज है। इस बयान में डीएसपी सुंदरनगर कहते हैं कि उन्होंने रूपेश की पत्नी तमन्ना को सिर्फ इतना कहा था कि उसका पति सरकार के विरुद्ध गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो रहा है और वे उसे समझाए। रूपेश का कहना है कि डीएसपी सुंदरनगर और जिला पुलिस ये बताए कि उन्होंने ऐसी कौन सी गैर कानूनी गतिविधियां सरकार के खिलाफ की हैं, यदि की है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। रूपेश ने जांच पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि पूरे मामले की फिर से उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। लेकिन अभी कुछ वक्त पहले जब हमारे माननीय जो भी हैं विधायकगण हैं उन्होंने अपना यात्रा भत्ता बढ़ाया था जो 2 लाख कुछ हजार से सीधा 4 लाख कर लिया था, तो उसके विरोध में हमने हिमाचल के हर कोने कोने में जाकर भीख मांगी थी। जब हमने ये भीख मांगी थी तो उसके बाद से ही मेरी पत्नी धर्मपत्नी जो हैं वो जो मतलब सरकारी मुलाजिम हैं सुंदरनगर थाना में कार्यरत थे, तो उनका इन्होंने उनको मतलब प्रेशराइज करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने धमकी दी डीएसपी साहब ने कि इनको तू अपने पति को समझा ले, तेरा पति जो भी है सरकार के खिलाफ नेताओं के खिलाफ बोल रहा है इसको बंद कर दे, नहीं तो उसको तू अपना धर्मपुर के लिए अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर लेना। ये उनकी उनकी वर्डिंग थी। तो उसके बाद जब मैंने डीजीपी जी को अपने जो डीजीपी साहब हैं उनको मैंने पत्र लिखा था, पुलिस कंट्रोल रूम शिमला जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर मैंने मेल किया था, तो उन्होंने उसके बाद मुझे कहा था कि हाँ आपके ऊपर इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो एडिशनल एसपी साहब को कुछ समय बाद वो केस दिया गया, तो उन्होंने जब एडिशनल एसपी साहब को केस दिया तो एडिशनल एसपी साहब ने मुझे बुलाया था अपने ऑफिस में, तो मैं वहाँ पर गया था। तो मैंने उनको जो मेरे पास प्रूफ थे इसकी एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें मुंशी और मेरी वाइफ की बातचीत थी, तो भी रिकॉर्डिंग मैंने उनको दे दी थी। तो अगर उस वक्त ही वो मुझे बता देते एडिशनल एसपी साहब कि इसमें कुछ भी नहीं है और ये गलत है, कोई इसमें केस बनता ही नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं बनती, तो मैं उस वक्त ही चुप बैठ जाता। तो लेकिन उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला इसकी जाँच की जाएगी। लेकिन अब इन्होंने जो जवाब मेरे लिए भेजा है, जो मेरे पास इन्होंने जवाब भेजा है उसमें इन्होंने लिखा गया है डीएसपी जो सुंदरनगर है उन्होंने एक बयान दिया उसमें कि मैंने सिर्फ महिला आरक्षी तमन्ना को मैंने इतना ही बोला था कि आपका जो पति है जो सरकार के विरुद्ध गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो रहा है उसे बोलें कि ये बंद कर दें, बस इतना समझाने के लिए मैंने बोला था। तो मैं यही प्रेस के माध्यम से यही पूछना चाहता हूँ डीएसपी साहब से कि डीएसपी साहब मुझे बताएं कि मैं कौन से सरकार के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियाँ की है, अगर की है तो मेरे ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की।